to my channel and welcome to a new vlog. Hope so you all are doing super duper great. And आपने जैसे कि पहले वाली क्लिप्स में देख लिया होगा कि मैं कहाँ आई हूँ. मैंने पिछले वाले ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में कि मैं बहुत जल्द नरसिंह मंदिर वाला ब्लॉग लाने वाली हूँ, और तो मैं आज फाइनली आ चुकी हूँ नरसिंह मंदिर. तो मैं गेट से अंदर आ गई हूँ, आपने वो वाला पूरा देख लिया, और अब यहाँ पे शूज़ मैं उतारने के बाद अंदर जाऊँगी और पूरा आप लोगों को दिखाऊँगी. तब तक के लिए स्टे ट्यून. चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो गाइस, ये है नरसिंह मंदिर का रास्ता और ये है गेट, पर हमें मुड़ना है इस साइड से. यहाँ पे लिखा हुआ है तो गाइस ये है नरसिंह मंदिर, जिसके बारे में मैंने पिछले ब्लॉग्स में भी बताया था आप लोगों को. लीजिए, आप फटाफट पढ़ लीजिए ऐसे स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक के. और यहाँ पे अभी हम सब जगह जाएंगे. आप लोगों को पहले मैं बता देती हूँ मेन मंदिर का. यहाँ से सामने भगवान जी का मंदिर है. यहाँ पे फ़ोन कैमरे अलाउड नहीं है अंदर, तो मैं बाहर से ही आपको दिखाऊंगी, अंदर नहीं लेके जाऊंगी. हमने एंट्रेंस वहाँ से और एग्जिट हमने यहाँ से किया, और बाकी वहाँ पे मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था कुछ भी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया. एक्चुअली ये नरसिंह मंदिर है जो नया मंदिर है, पुराना मंदिर अलग था थोड़ा. काफ़ी पुराना पेड़ है यहाँ पे जो कि चूली का है, और यहाँ पे इसकी पूजा भी करते हैं. और वैसे इस मंदिर में तीन दरवाजे हैं, एक इस साइड, एक जिससे एंटर हम हुए और एक एग्ज़िट जहाँ से हुए, इतने. और बाकी छोटे छोटे दरवाजे और हैं. यहाँ पे दरवाजे बहुत सही है, मतलब फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत सही है. मैंने पहले भी खिंचाई है फ़ोटोज़, जो आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी पहली वाली तो आपको पता होगा. और जो भी मतलब खासियत थी, जो भी है, मतलब मैंने सब आप लोगों को बता दिया. अंदर का मैं कुछ भी नहीं दिखा पाई क्योंकि वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ था कि फ़ोन कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए तो मैंने नहीं शूट किया कुछ भी. तो इसलिए अभी पहले मैं आपको दरवाज़ा दिखा देती हूँ. वहाँ का दरवाज़ा बहुत सही है, मतलब एज अ बैकग्राउंड हम बहुत अच्छी फ़ोटो खींच सकते हैं. यहाँ पे छोटा वाला ये है और बड़ा वाला ये है दरवाज़ा. और इस चूल्हे के पेड़ की भी यहाँ पर पूजा की जाती है. हर वीडियो में हाथी पहाड़ दिखाती हूँ, हाथी पहाड़ ये रहा, और स्लीपिंग ब्यूटी ये वाली है. इसको बस इमेजिन करना पड़ता है, ये वाले बाल हैं, यहाँ से नीचे थोड़ा आँख, ये नाक, ये लिप्स, ये चिन, ये नेक, और फिर ये ब्रेस्ट, और ये पूरा पीछे का पार्ट. आपको यहाँ पे से जस्ट इमेजिन करना पड़ता है स्लीपिंग ब्यूटी को. गाइज, आप नियरेस्ट प्लेसेस हैं जो विज़िट आप कर सकते हो यहाँ पे से. मैंने पिछली वीडियो में आपको बद्रीनाथ के बारे में बता दिया था और माणा के बारे में बता दिया था. हेमकुंड साहिब एक ट्रैक है, एंड पांडुकेश्वर और हनुमान चट्टी बद्रीनाथ के रास्ते में पड़ जाता है, तो आप डिस्टेंस देख सकते हैं यहाँ पे से. और ये पढ़ लो फटाफट अगर आप इंटरेस्टेड हो यहाँ पर तो इसको पढ़ने में. तो गाइज़, मैंने पहले भी आप लोगों को पूरा बताया था नरसिंह मंदिर का, तो मैं फिर से बता देती हूँ. नरसिंह मंदिर में भगवान विष्णु जी का मंदिर है, और जो भगवान बद्री विशाल हैं उनका जो राजगद्दी होते हैं, जब कपाट वहाँ पे बंद हो जाते हैं तो 6 महीने भगवान जी की राजगद्दी यहाँ पे रहती है. एंड जो स्थापक हैं, जिन्होंने नरसिंह मंदिर की स्थापना की है, वो है शंकराचार्य जी. शंकराचार्य जी का यहाँ पे राजगद्दी है, मैं वो भी आपको लोगों को दिखाऊंगी. और शंकराचार्य जी ने ही जोशीमठ की स्थापना की है, और ज्योतिर्मठ, नरसिंह मंदिर सब शंकराचार्य जी ने ही किया है यहाँ पे. और यहाँ पे कुछ बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं. अभी तो मैंने आपको एक ही पोर्शन दिखाया, दूसरा पोर्शन यहाँ से उधर है, वो मैं आपको अभी दिखा दूँगी. उससे पहले मैं थोड़ा यहीं आपको दिखा देती हूँ पूरा व्यू. और जो मिथ यहाँ के लोग मानते हैं वो मैंने आप लोगों को बताया कि भगवान जो विष्णु भगवान जी हैं, उनका जो राइट हैंड है वो डे बाई डे पतला होता जा रहा है. जिस दिन वो हाथ उनका टूट जाएगा, तो उस दिन जय विजय पर्वत जो हैं बद्रीनाथ के रास्ते में वो मिल जाएंगे, और बद्रीनाथ जी वहाँ पे से लुप्त हो जाएंगे. मतलब भगवान बद्री विशाल की पूजा उसके बाद होगी, भविष्य बद्री में. भविष्य बद्री मैंने आपको बताया है वीडियोज़ में कहाँ पर है, कैसे आप पहुँच सकते हो वहाँ तक. तो वहाँ पर भी भगवान विष्णु जी का मंदिर है,
तो आप इजीली वहाँ पे मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियोस, सारी तो नहीं वो वाली वीडियोस डाल दूँगी, और ज्योतिर्मठ वगैरह वगैरह सारी वीडियोस डाल दूँगी मैं। और बाकी अच्छे से मैं एक्सप्लोर अभी करा देती हूँ आपको नरसिंह मंदिर। नरसिंह भगवान जी, आपको अगर याद होगा ये वाला सीन, तो इन्होंने यहाँ पे वो वाला सीन क्रिएट किया हुआ है नरसिंह भगवान जी का। एंड यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन चीज़ों से, आप पढ़ सकते हो। मैंने अब वीडियो पॉज करके सारी चीज़ें पढ़ सकते हो, बहुत हेल्प मिलेगी। एंड यहाँ पे मैंने पहले भी बताया, बहुत छोटे छोटे मंदिर है काफ़ी। और ये देखिए, यह है स्वच्छता का ध्यान रख। अच्छा, तो ये देखिए, ये पानी पता नहीं कहाँ से आता, मुझे इसके बारे में नहीं पता। दंड धारा है ये, से शुद्धिकरण भी कर सकते हम लोग। हो प्रभु भगवान और सीता जी हैं। और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी आप बदल सकते हो कपड़े, अगर यहाँ पे आप चाहो नहाना मंदिर से पहले। और यहाँ पे नहाना बहुत बड़ा, मतलब अगर आप नहाते हो यहाँ पे तो आपको ना मतलब फतेह कर लोगे आप किसी चीज़ को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। ऊपर से मैं सॉक्स उतार के ही हूँ, मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं। धूप भी कम कम है। पूरा व्यू देखो यार, सामने हाथी पहाड़, हाथी पहाड़ हर जगह से दिख जाता है। मतलब इवन मेरा घर रविग्राम है, रविग्राम में भी थोड़ा थोड़े हाथी पहाड़ आधा पोर्शन दिख जाता है। गाइस, मैंने कुछ टाइम पहले जाग देवता वाली वीडियो डाली थी, वो जाग देवता थे रविग्राम के। और बाकी यहाँ पे ना जाग देवता, पांच जाग देवता मिलने आते हैं। एक तो हो गए रविग्राम के, एक हो गए ऊपर डाडो के, और एक थैंग के, चाय के, और एक बताऊंगी एक छुटिया, मेरे को याद है, मैं लिख के बता दूंगी। हैं सुनील के, सुनील के, मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, मैं लिख के बता दूंगी आप लोगों को। और बाकी मैंने आपको तो बता ही दिया। और यार मैं ना इसलिए शांति से बैठी हूँ, यहाँ पे बहुत सुकून मिलता है बैठने से, मतलब बहुत पीस है यहाँ पे। बहुत सारे टूरिस्ट भी आए हुए यहाँ पे घूमने, क्योंकि ओली में तो बर्फ़ पड़ी हुई, इसलिए टूरिस्ट भी आए हुए, सीज़न है अभी ओली का, तो टूरिस्ट भी कुछ बहुत सारे मेरे को दिख रहे हैं मंडराते हुए, इधर उधर दिखाती हूँ आप लोगों को। ये सारे ये हाथी पहाड़ के सामने फ़ोटो खींच रहे हैं, देखो यार कितना सही लग रहा हाथी पहाड़। बाकी पूरे मंदिरों में जाके मैं आपको दिखा देती हूँ। और यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर उनका है, तिमुनिया भगवान जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा होती है। मतलब यहाँ पे एक स्पेशल डे होता है उन भगवान का, यहाँ पे कुछ करता है वो। आज तक मैंने वो प्रोग्राम कभी भी नहीं देखा हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे रह नहीं रही हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि हो क्या रहा है यहाँ पे। पर लोगों की वीडियोज़ या पोस्ट देख के पता चल जाता है क्या हो रहा है यहाँ पे, तो आपको वो पहले दिखा देती हूँ उन भगवान का मंदिर। तो गाइज़, मैंने गलत प्रोनाउंस किया, आप लोग प्रोनाउंस करके देख लीजिए, ये है वो भगवान जी का मंदिर। और उसके बाद यहाँ पे ये होता है, वो भगवान जी किसी इंसान पे अवतार लेते हैं और पूरा प्रोग्राम यहाँ पे ये होता है। और ये सेकंड मंदिर, जो जिस मंदिर की मैं बात करी थी, ये छोटा है पर थोड़ा पे बहुत सारे भगवान जी हैं यहाँ पे। यहाँ पे गरुड़ मंदिर है जी की, आपको मैं दिखा देती हूँ। एंड श्री वासुदेव मंदिर, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। ये देखो, ये पुराने टाइम के हैं ये सारे, और साइड में ये मंदिर पूरा पुराने टाइम का है, पर ये कुछ नया काम किया हुआ इन लोगों ने। यहाँ पे अष्टभुजा गणेश, फर्स्ट हमें यहाँ से चक्कर लेना था, क्योंकि अभी तक जब भी हम आते हैं तो हम डायरेक्ट मंदिर जाते हैं, हमें नहीं पता था ये रूल। भी आंटियाँ बैठी हुई तो उन्होंने बताया, सूर्यदेव का मंदिर है यहाँ पे। यहाँ पे छोटे छोटे, मतलब पहले टाइम के जो मंदिर थे उन मंदिरों के छोटे छोटे भगवान रखे हुए एज अ पत्थर, तो उन्हीं को यहाँ पे भगवान है। तो यहाँ पे सूर्यदेव का ये सारे ताले लगे हुए हैं मंदिरों पे। ये है काली माता का मंदिर, यहाँ पे काफ़ी वो है प्रभु। मेरे पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं यार। शिव मंदिर खुला है, क्योंकि शिव भगवान के पास तो सब लोग जाते रहते हैं। और यहाँ पे मैं पिछली बार भी जब आई थी, तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया पानी आ रहा है ऊपर से कहीं से,
पर मैंने पीछे भी देखा, कुछ ऐसा सोर्स है भी नहीं पानी आने का। आई थिंक ये बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है पत्थरों में और तब जाके ये टपकता है। इनका स्ट्रक्चर ऐसा है इन मंदिरों के ऊपर, तो शायद यही रीज़न है। और अब है भैरव देवता, यह भैरव देवता का मंदिर। यह है दुर्गा माता के जो नौ रूप हैं, वो सारे नौ के नौ रूप यहाँ पे हैं। काफी सुंदर मंदिर है ये। यहाँ पे पूछताछ काउंटर, आप कुछ भी अगर आपको कोई भी डाउट हो इसको लेके तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। और ये गौरी शंकर का मंदिर, मिडिल वाला मंदिर जिसमें मुझे जाना है। स्टार्टिंग मैंने यहाँ से की थी, एग्जिट मैंने यहाँ से किया हुआ है, तो मुझे जाना है यहाँ। देख लीजिए, ये है वासुदेव का मंदिर वाले मंदिर से हम आ चुके हैं। ये जो इस साइड था और अब हम जाना है इस साइड, जो राजगद्दी है भगवान जी की भी, क्या बोलते हैं शंकराचार्य जी की, वो सामने वहाँ पे है, तो हम वो देखने जाएंगे अभी। और ये महालक्ष्मी जी का मंदिर। अब ये शंकराचार्य जी की गद्दी का रास्ता। ये तो शंकराचार्य जी के सेम गद्दी होती है दोनों। अच्छा यही है। अच्छा थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइस ये है गद्दी शंकराचार्य जी की। इन्होंने बताया कि बद्रीनाथ जी की गद्दी भी यही है, मैं श्योर नहीं उस चीज़ के लिए, पर बताया तो यही है अंकल ने। तो गई यहाँ पे थी गद्दी, अब हम जा रहे हैं वापस। और ये पुराने ज़माने का, इसलिए इनके सारे दरवाजे ऐसे पुराने ज़माने के। यहाँ पे सीढ़ी बहुत ख़तरनाक थी, आशा गिरने वाली थी। तो ये पुराने ज़माने का पूरा, ये देख लें, अब जा सकते हो यहाँ पे इजीली। इसका रास्ता उधर से भी है जहाँ से मंदिर से अंदर गए थे, और बाहर से भी बता देती हूँ मैं, जो मैंने स्टार्टिंग में ही गेट बताया था उससे आप अंदर आके डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो। जो ये स्टार्टिंग में था, अब यहाँ से डायरेक्ट अंदर जाके भी गद्दी के दर्शन कर सकते हो, और यहाँ से आप घूम के यहाँ से लेफ्ट लेके भी आराम से कर सकते हो। सो गाइस जब तक मैं शूज़ पहन रही हूँ तब तक आप लोगों को भगवान शंकराचार्य जी के बारे में कुछ बता देती हूँ। जो भगवान शंकराचार्य जी थे, उन्होंने वो मतलब बचपन से काफ़ी विद्वान थे। जब वो 8 साल के थे तो उन्हें सारे वेदों का ज्ञान था। आफ्टर दैट जब वो 12 साल के हुए तो 12 साल में उन्होंने पूरे शास्त्र होता है जो शास्त्र सबका ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एंड 16 या 17 एज में उन्होंने जो वो थे भागवत गीता और एक और बुक थी, मैं लिख दूंगी यहाँ पे लिंक डाल मतलब लिख दूंगी कौन सी बुक थी वो दूसरी, वो पढ़ के उन्होंने भविष्य की भविष्य में जो होने वाली चीज़ें हैं वो लिख दी थी। तो इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी पैदल यात्रा की है और 4 जगहों पे 4 मतलब हमारे भारत में 4 दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए हुए हैं। एक मठ उनमें से है हमारा शंकराचार्य जी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूँगी, सॉरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप देख लेना। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है यहाँ पे, मतलब मिथ है इसके पीछे यहाँ पे भी। तो अभी मैं आपको ना एक खूबसूरत सी चीज़ें दिखाती हूँ मैं यहाँ पे नरसिंह मंदिर। तो यहाँ पे जो ये बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने बनाया हुआ ना, ये शेर बनाए हुए, ये शेर फूल और ये कलश, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और उसके ऊपर आप देख सकते हैं नारियल वाला कलश है। ये देखो बहुत सुंदर तरीके से बनाया हुआ, पहले पुराना अलग था अब ये अलग हो गया। काफ़ी टाइम से मैं यहीं भटक रही हूँ नरसिंह मंदिर में, आप लोगों को दिखाना था मुझे नरसिंह मंदिर। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आप लोगों को दिखाऊँ नरसिंह मंदिर की ब्यूटी, पर हुआ ये कि मैं नहीं कर पा रही थी, आज बड़ी मुश्किल से टाइम मिला तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे नरसिंह मंदिर में। बैकग्राउंड में दिख रहा होगा जी बद्रीनाथ रोड है। सीजन के टाइम पे ये बद्रीनाथ रोड वन वे हो जाती है, और ठंडियों के टाइम पे जब सीज़न ऑफ रहता है तो
आप कहीं भी कहीं से भी इजीली आ जा सकते हो। आप लोगों को तो दिखा तो दिया है नीचे वाला रूट जो वन वे हो जाता है सीजन के टाइम पे, और अभी तो आप कहीं से भी आ जा सकते हो इजीली। मेन मार्केट से शॉर्टकट रास्ते बहुत सारे हैं। हम भी आज पैदल आए हुए, स्कूटी पापा लेके गए हुए स्कूल, तो इसलिए हम पैदल आए हुए। तो अभी हम एक रास्ते से आए थे, हम दूसरे रास्ते से निकलेंगे, और एक रास्ता पीछे है ये वाला जो चढ़ाई दिख रही है। बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे नरसिंह मंदिर, अगर आप पैदल आना चाहते हो तो बहुत इजीली आ सकते हो। बाकी आपको डिटेल में तो मैंने पिछली वीडियो में ही बता दिया था। देख लो कितनी खड़ी चढ़ाई है, और यहाँ पे भी खड़ी चढ़ाई है, और यह है छोटी ज्योति जोशीमठ का इकलौता कॉन्वेंट स्कूल, पर ये बच्चों के लिए है। ये आई डोंट नो कहाँ तक है, मुझे नहीं पता ये छोटी वाली ज्योति कौन सी क्लासेस तक है, शायद प्री प्राइमरी क्लासेस होंगी यहाँ पे, मैं कन्फर्म नहीं हूँ, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो गाइस प्लेन रास्ता स्टार्ट हो गया, सीढ़ियाँ यहीं ख़त्म, अब हम यहीं से जाएंगे। सही में यार बहुत थकान लग जा रही है मेरे को तो, काफ़ी टाइम बाद चल रहे ना। बाकी सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे यार, दुश्मन मार्केट से अच्छे अच्छे पहाड़ दिखते हैं बहुत क्लियरली। मेरे घर से तो दो सामने दो तीन पहाड़ दिखते हैं बस, ये देखो यार हाथी पहाड़ पूरा दिख रहा। यहाँ पे बोर्ड भी है नरसिंह मंदिर का नीचे जाने के लिए, और ये है यहाँ का चौराहा, और यहाँ से ऊपर अगर यहाँ से आप ऊपर जाओगे तो ये है शंकराचार्य जी मठ जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, उसका रास्ता ये है, और नरसिंह मंदिर का रास्ता ये है। आप इजीली यहाँ से जा सकते हो, चौराहा है, किसी को भी पूछ के आप यहाँ पे आ सकते हो।